लास्ट वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा था कि यार गाइस मैं लॉस सैंटोस नेवी का कमांडर बन गया हूँ और आज मैं बिल्कुल सही टाइम पर जॉब पर आया हूँ। बट यार गाइस ये दोनों की दोनों बोट्स मैंने पहले यहाँ पे कभी नहीं देखी हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तो पायरेट्स की बोट है। मगर ये हम लोग के नेवी के हेडक्वार्टर के बाहर क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग के नेवी हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हो चुका है? मुझे फौरन से पहले अंदर जाके देखना होगा कि अंदर हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे इन वाली बोट्स को चेक करना होगा। इनके अंदर कोई बंदा तो नहीं है? अभी तक तो मुझे इन वाली बोट्स के अंदर कोई भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा। तो यार गाइस ये सब लोग गए किधर और ये लोग हैं कौन? कहीं ये हम लोग के स्पेशल यूनिट के बंदे तो नहीं है? बल्कि नहीं यार गाइस, स्पेशल यूनिट्स के बंदों के पास ये वाली बोट्स तो नहीं होती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सी पायरेट्स की बोट है, लेकिन ये हम लोग के नेवी हेडक्वार्टर के बाहर क्या कर रही है? फटाफट से ऊपर जाके देखता हूँ। मगर वेट यार गाइस, सामने एक बंदा खड़ा हुआ है और ये तो पायरेट है, लेकिन यार गाइस ये पायरेट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हम लोग के जनरल की जान को भी खतरा है। काम करता हूँ कि उसको कॉल करता हूँ। बेल तो जा रही है लेकिन जनरल साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं। आज से पहले ऐसे कभी हुआ नहीं है यार गाइस। मैं लॉस सैंटोस नेवी का कमांडर हूँ और जनरल तो हर टाइम मेरे से रابطे में रहता है, तो फिर यार गाइस ये अभी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। काम करता हूँ कि सबसे पहले सामने वाले बंदे को पेलता हूँ, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि यार गाइस ये लोग कौन है। मगर वेट, इसके पास तो वेपन भी था। बाल बाल बचे यार गाइस, अभी ये मुझे मार देता लेकिन मैं बच गया हूँ। मुझे तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है यार गाइस। ये पायरेट्स हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक दफा ये हम लोग के आइलैंड के बाहर भी आए थे और यार गाइस इन लोगों ने हम लोग के आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी ये लोग आ चुके हैं नेवी के हेडक्वार्टर के बाहर। यार गाइस हम लोग के नेवी हेडक्वार्टर के अंदर काफी ज्यादा आर्मी होती है, तो फिर ये लोग अंदर आए तो आए कैसे? काम करता हूँ कि फटाफट से बाहर जाके देखता हूँ। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है और यहाँ कहीं पे मुझे कोई बंदा भी नहीं दिखाई दे रहा। मगर एक सेकेंड, बाहर की तरफ मुझे थोड़े से पायरेट्स दिखाई दे रहे हैं और ये नीचे कौन है? मेरे ख्याल से तो हम लोग की नेवी का जनरल है, लेकिन ये वहां तक पहुंचा कैसे और हम लोग की बाकी की आर्मी किधर है? मुझे कुछ भी करके जनरल साहब को बचाना होगा, क्योंकि यार गाइस मैं पूरे के पूरे नेवी हेडक्वार्टर का कमांडर हूँ। मगर एक सेकेंड, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ कि सामने वाले रूम में जाता हूँ। ये सामने वाला रूम हम लोग के जनरल का रूम है और अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए यार गाइस? सारी की सारी हम लोग की फोर्स कहाँ पे जा सकती है? और एक सेकेंड यार गाइस, ये तो सचमुच में जनरल है। मुझे थोड़ा सा जूम इन करके देखना होगा। ये हम लोग का जनरल है और ये सारे के सारे पायरेट्स हैं। वेपन भी इन लोग के पास काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर ये दो तरह के हैं। कुछ पायरेट्स ने यहाँ पे व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और बाकी ने यहाँ पे ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। और ये हम लोग की आर्मी का जनरल है यार गाइस। ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक टाइम पर जॉब पर आया हूँ, लेकिन बाकी के मुझे यहाँ पे कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे। लगता है कि आज सबकी छुट्टी है या फिर हम लोग की नेवी हेडक्वार्टर का कोई ना कोई बंदा इन लोग के साथ मिला हुआ होगा। मुझे ऐसा ही लगता है यार गाइस, कोई ना कोई बंदा इन लोग के साथ मिला हुआ है। लेकिन मुझे कुछ भी करके जनरल साहब को बचाना होगा। अगर मैंने यहाँ से इसको शूट किया तो फिर ये लोग एक सेकंड के अंदर अंदर जनरल को मार देंगे, और अगर मैं सामने गया तो फिर ये लोग मुझे शूट कर देंगे। क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना होगा। जनरल की जान बचानी है मैंने, और जनरल की जान बचाने के लिए मुझे इन लोग को मारना है। अभी क्या करूँ यार गाइस, मुझे कोई ना कोई प्लान चाहिए होगा। मगर एक सेकंड, मेरे पास एक प्लान है यार गाइस। यहाँ पे पीछे आप लोग देख रहे हो कि इन लोग की बोट्स हैं। अगर तो मैं किसी तरीके से इन लोग की बोट्स को ब्लास्ट करूंगा तो ये सब लोग भाग के जाएंगे पीछे की तरफ। उसके बाद जनरल के पास रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक दो बंदे, और एक दो बंदों को तो मैं इजीली मार सकता हूँ। अभी मेरे पास यही प्लान है और आई होप कि यार गाइस मेरा ये वाला प्लान काम करेगा। अभी मुझे फटाफट से नीचे इन लोग की बोट के पास जाना है। वहाँ पे जाके स्टिकी बॉम्ब्स लगा देता हूँ और फिर ये सब लोग भाग के नीचे आएंगे, और जैसे ये लोग नीचे आएंगे मैं इन लोग को मार दूंगा। हम लोग को जो भी काम करना है प्लानिंग के साथ करना है। और अभी मुझे इमरजेंसी एग्जिट चाहिए होगा। इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे? क्या सामने तो नहीं है? एक तो यार गाइस ये नेवी हेडक्वार्टर काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे इसके रास्ते सही से समझ में नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से तो ये रास्ता जाएगा क्या? नहीं यार गाइस, ये रास्ता तो नहीं जाने वाला है बाहर। मगर फिर भी मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूँ। बट नहीं यार गाइस, ये रास्ता बाहर नहीं जाएगा। मुझे अभी जाना होगा सामने की तरफ। नहीं, एक काम करता हूँ कि वो वाला रास्ता लेके जाता हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इससे पहले कि हम लोग का जनरल मर जाए मुझे उसको बचाना होगा। मगर मैं क्या करूँ यार गाइस, मुझे यहाँ पे रास्ते ही नहीं याद रहते हैं। और वैसे भी मुझे अभी जॉब पे आए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो रास्ता याद करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। बट यार गाइस, मैं किसी दिन इस पूरे के पूरे नेवी हेडक्वार्टर को घूमूंगा, फिर मुझे सारे के सारे रास्ते याद हो जाएंगे। और वेट यार गाइस, मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा है, मुझे बिल्कुल सामने वाले गैराज के अंदर जाना है। गैराज तो नहीं बोलेंगे, ये एक सीक्रेट रूम है और यहाँ से आता है इमरजेंसी एग्जिट। फटाफट से बाहर जाके देखता हूँ और इन लोग की दोनों बोट्स यहाँ पे खड़ी हुई है। सबसे पहले तो मुझे एक स्टिकी बॉम्ब चिपकाना होगा यहाँ पर, बल्कि एक स्टिकी बॉम्ब से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे 3-4 स्टिकी बॉम्ब को लगाना है। और पीछे वाली बोट के ऊपर स्टिकी बॉम्ब कैसे लगाऊंगा? एक काम करता हूँ कि सबसे पहले जाता हूँ इस वाली बोट पर, और अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, इस वाली बोट के ऊपर भी स्टिकी बॉम्ब को लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट होगा सारे के सारे पायरेट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और जैसे ही सारे के सारे पायरेट्स यहाँ पर आएंगे
मैं इन लोग को मार दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है यार गाइस, मुझे नेवी के जनरल को बचाना होगा। सारे के सारे स्टिकी बॉम्ब्स मैंने लगा दिए, अभी टाइम आ चुका है ऊपर जाने का। लेकिन अब मैं ऊपर जाऊंगा किस तरह? एक सेकेंड यार गाइस, गया पानी के अंदर। थोड़ा सा प्लान हम लोग का चौपट हो गया, जंप हम लोगों ने सही से नहीं मारी है। और ये जो आप नीचे बड़े बड़े फैंस देख रहे हो यार गाइस, ये हम लोग के नेवी हेडक्वार्टर के हैं। काफी ज्यादा ओपी है हम लोग का नेवी हेडक्वार्टर। और गाइस मैं पूरे के पूरे नेवी हेडक्वार्टर का कमांडर हूँ, और इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और मैं करके रहूंगा यार गाइस, मैं पूरे के पूरे नेवी हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। मेरे होते हुए हम लोग के नेवी हेडक्वार्टर को कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे साथ में एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यार गाइस, ये पायरेट्स यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इन लोग का तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। मेरे ख्याल से ये लोग जनरल से कोई ना कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यार गाइस काफी दिनों बाद आज जॉब पर मैं टाइम पर आया हूँ। और अभी टाइम आ चुका है इन वाली बोट्स को ब्लास्ट करने का। काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होने वाला है। आप सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ यार गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेवी के मिशन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे जाके हम लोग को पता चलेगा कि यार गाइस ये वाले पायरेट्स यहाँ पर आए क्यों हैं, और जनरल साहब से इन लोग की आखिर दुश्मनी क्या है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर तो मैंने यहाँ पे ब्लास्ट किया तो मैं भी इफेक्ट हो सकता हूँ। मुझे ब्लास्ट तो करना होगा। 3 2 1 लेट्स गो यार गाइस, ब्लास्ट तो हो गया। सारी की सारी बोट्स गई पानी में, और अभी यहाँ से ऊपर पायरेट्स आने वाले हैं। एक काम करता हूँ कि फटाफट से मैं भी ऊपर जाता हूँ। मेरे ख्याल से तो अब तक ये लोग ऊपर आ गए होंगे। एक काम करता हूँ कि धीरे धीरे आगे की तरफ जाता हूँ, और अभी मुझे इस वाले बॉक्स के ऊपर जंप करना होगा। ये रे यार गाइस, सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब मैं इन लोग को मारूं कैसे? मेरे पास नाइफ भी है और मेरे पास वेपन्स भी है। एक काम करता हूँ कि ग्रेनेड को चूज करता हूँ। बल्कि नहीं यार गाइस, ग्रेनेड से काम नहीं चलेगा। मुझे अभी धीरे से इन लोग के पीछे स्टिकी बॉम्ब्स को लगाना है, इससे पहले कि ये लोग मुझे देखें। मुझे फौरन से पहले यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब्स को लगाना है। स्टिकी बॉम्ब्स का मटेरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो हम लोग अगर इनको फेंकेंगे तो इन लोग की आवाज नहीं होगी। और फाइनली यार गाइस, सारे के सारे स्टिकी बॉम्ब्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और अभी टाइम आ चुका है यहाँ से आगे जाने का। अगर तो ये लोग मेरी तरफ आए तो मैं स्टिकी बॉम्ब को फोड़ दूंगा, मगर मुझे अपनी आर्मी के जनरल को भी बचाना है। टाइम मेरे पास बहुत कम है, मुझे जो भी करना होगा जल्दी से करना होगा। मैं बिल्कुल सेंटर में आ गया हूँ। अगर तो इन लोगों ने मुझे देख लिया तो यार गाइस जनरल तो जाएगा काम से, लेकिन पीछे भी काफी ज्यादा बंदे खड़े हैं। एक काम करता हूँ कि पहले स्टिकी बॉम्ब को फोड़ता हूँ, उसके बाद मैं इन लोग को यहाँ पे मारने वाला हूँ। काफी ज्यादा खतरनाक मिशन है। आई होप कि यार गाइस जनरल बच जाएगा। मुझे कुछ भी करके जनरल को बचाना होगा। लेकिन वेट यार गाइस, अगर तो मैंने स्टिकी बॉम्ब को फोड़ा तो ये लोग जनरल को मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा यार गाइस, मैं यहाँ का कमांडर हूँ। मुझे अपने दिमाग को चलाना होगा, मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। लेकिन मेरे पास अभी कोई भी प्लान नहीं आ रहा है। और वेट यार गाइस, मेरे पास एक प्लान है। मेरे ख्याल से तो मुझे अभी इन लोग के सामने जाना चाहिए। हाँ यार गाइस, मुझे अभी इन लोग के सामने जाना चाहिए। 3 2 1 लेट्स गो यार गाइस, मैं इन लोग के सामने आ चुका हूँ। अबे तू कौन है लड़के? मैं तो बस यहाँ पे घूमने के लिए आया था, और रास्ते में तुम लोग मुझे दिख गए। मेरे साथियों वापस आओ। अभी वो क्या है ना कि वापस आने की कोशिश मत करना, क्योंकि उन लोग के पीछे पड़े हुए स्टिकी बॉम्ब्स। अगर तो वो लोग इस तरफ मुड़े तो फिर मैं स्टिकी बॉम्ब को फोड़ दूंगा। अबे लड़के तू है कौन? मैं इस पूरे के पूरे नेवी हेडक्वार्टर का कमांडर हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? हम लोग पायरेट्स हैं। ये तो मुझे भी पता है कि तुम लोग पायरेट्स हो, लेकिन तुम लोग को ऑर्डर किसने दिया यहाँ पर आने का? तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? देख नहीं रहा कि तेरा जनरल जमीन पे खड़ा हुआ है? एक मिनट नहीं लगाऊंगा इसको मारने में। तुम मेरे जनरल को मारने में देर नहीं लगाओगे, और मैं तुम लोग को फोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। गए यार गाइस, मुझे जल्दी से इन लोग को मारना होगा। जनरल साहब आप ठीक तो हो ना? हाँ मेटी, अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पर आ गए, लेकिन ये लोग अभी तक इधर ही हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इन लोग को देख लूंगा, लेकिन अभी आपको पीछे जाके छुपना होगा। हाँ मेटी, इन लोग को छोड़ना मत। हाँ ठीक है सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस चुपचाप पीछे जाके छुप जाओ। हम लोग की आर्मी का जनरल तो यार गाइस यहाँ पे छुप चुका है, लेकिन अभी मुझे इन लोग को जिंदा पकड़ना है। बाकी तो सब लोग को मैंने मार दिया, लेकिन इन लोग का बॉस अभी तक जिंदा है, और वो खड़ा हुआ बिल्कुल सामने की तरफ। अभी मुझे धीरे धीरे इन लोग को मारना है। ये तो गया, एक तो गया, बट नहीं यार गाइस अभी तक जिंदा है। अबे नहीं नहीं नहीं, गोलियां मार रहा है मुझे, इतना खतरनाक ये कैसे हो सकता है? नहीं बचेगा यार गाइस, ये ब्लू शर्ट वाला तो नहीं बचेगा। ये तो गया काम से, मगर वेट ये मर नहीं रहा है। अबे यार गाइस ये मर नहीं रहा है, पता नहीं इन लोगों ने कौन सी जैकेट्स पहन के रखी हैं। और अभी धीरे धीरे ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। इन लोग को कुछ भी नहीं हो रहा यार गाइस, इन लोगों ने बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लड प्रूफ वेस्ट को पहन के रखा है। इन लोग को मारना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं इन लोग को मार दूंगा। कुछ भी करके मुझे इन लोग को मारना होगा। और ये जो व्हाइट कपड़ों वाला इन लोग का बॉस है, इसको मुझे जिंदा पकड़ना है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यार गाइस ये लोग मर क्यों नहीं रहे हैं। अभी एक काम करता हूं कि स्नाइपर से इसको गोली मारता हूं, फिर तो यार गाइस ये पक्का मरेगा। मगर वेट ये नहीं मर रहा है, इन लोग की वेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इनको मारना होगा। क्या करूं? मगर वेट यार गाइस, ये गोलियां कौन मार रहा है? एक सेकंड, जनरल साहब ने इतनी बड़ी गन पकड़ ली है हाथ में। अभी तो यार गाइस ये लोग नहीं बचने वाले हैं, इन लोग के मरने का टाइम आ चुका है। और फाइनली यार गाइस, ये एक तो मर गया है, मगर एक अभी तक जिंदा है। और एक सेकंड, एक तो ये रहा, दूसरा खड़ा हुआ है यहाँ पर। मुझे इसको भी जल्दी से पेलना होगा, मगर जनरल साहब तो इसको गोलियां मारते ही जा रहे हैं।
अरे यार गाइस लगता है कि जनरल को कुछ ज्यादा गुस्सा है, इतनी गोलियां मार रहा है। यार गाइस लगता है कि इसको नीचे फेंकेगा, मेरे ख्याल से जनरल इसको नीचे फेंकेगा और गया। खतरनाक है यार गाइस, जनरल काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इन लोग का बॉस अभी तक जिंदा है और इसके बॉस को मुझे डिफीट करना होगा। मगर नहीं यार गाइस, इन लोग की बेस काफी ज्यादा पावरफुल है। क्या करूं, कैसे मारूं? जनरल साहब इस व्हाइट वाले को थोड़ी सी टांग पे गोलियां मारो। ठीक है हां बेटी, अभी मारता हूं। अभी जो भी करेगा जनरल ही करेगा, मेरे बस की बात तो नहीं है। खतरनाक है यार गाइस, ये लोग बिलीव मी काफी ज्यादा खतरनाक है। और मेरे ख्याल से तो ये गया। हां जनरल साहब मर गया है, मगर वे टांग पे गोली मारने को बोला था और जनरल ने कुछ ज्यादा ही गोलियां मार दी है इसको। हां बेटी, इसको यहां पर लेकर आओ। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी लेकर आता हूं। ये इन लोग का बॉस था और यार गाइस अटैक करने के लिए आया था हम लोग की आर्मी के जनरल के ऊपर। अभी मेरे होते हुए जनरल साहब को मारना तो इम्पॉसिबल है। सब कुछ पता करूंगा यार गाइस, मैं इससे सब कुछ उगलवा लूंगा। इतना टॉर्चर करूंगा ना इसको, ये खुद ही अपना मुंह खोलेगा। अबे लड़के मुझे छोड़ दे, तू मुझे जानता नहीं है। अबे नुबड़े, मेरे ख्याल से तो तू मुझे नहीं जानता है। मैं तुझे दोबारा बोल रहा हूँ लड़के, मुझे जाने दे। ऐसे कैसे मैं तुझे जाने दूं, इतनी मुश्किल से तो मैंने तुम्हें पकड़ा है। अभी तो मैं तुमसे पूछताछ करूंगा, तो मैं टॉर्चर करूंगा, फिक्र मत करो, इतनी जल्दी तुम मरोगे नहीं। जनरल साहब क्या ऑर्डर है? हाँ बेटी, हम लोग को पता लगाना होगा कि इन लोग को यहाँ पे किसने भेजा है। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे तो लगता है कि हम लोग की मिलिट्री में कोई ना कोई जासूस है। लेकिन हाँ बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? सर अभी अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये वाला बंदा यहाँ पर आया कैसे? हाँ बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है। एक काम करोगे, इसको अंदर लेकर आओ, हम लोग इससे पूछताछ करते हैं। जी ठीक है सर, आप इस बड़ी गन को तो नीचे रखो, मैं इसको अंदर लेकर आता हूँ। लेकिन हाँ बेटी, यहाँ पर और तो कोई नहीं है ना? नहीं नहीं सर, यहाँ पे और कोई नहीं है। मैंने इन लोग की बोर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और इन लोग का बॉस भी यहाँ पे हम लोग के सामने पड़ा है। आप फिक्र मत करो, सारे की सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। शाबाश हाँ बेटी, मुझे पता था कि तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। लेकिन सर अगर आज मैं लेट हो जाता तो आप तो ना बचते। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं सर, एहसान की कोई भी बात नहीं है। आप एक काम करो कि अंदर की तरफ जाओ, मैं इसको वहाँ पे लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग इससे सवाल जवाब करते हैं। ठीक है आमेटी, ले आओ इसको। हाँ भाई जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? अरे मुझे प्लीज छोड़ दो। आमेटी पकड़ के लाओ इसको। अबे सर ये भाग कैसे गया, इतनी गोलियां मारी थी मैंने इसको, कहाँ पे गया यार गाइस? अभी तो इधर ही था, एकदम से भाग गया। लेकिन ये जाएगा किधर, इन लोग के पास तो बोट्स है ही नहीं। मगर ये काफी ज्यादा चालाक निकला यार गाइस, एकदम से मेरी आंखों के सामने भाग गया। मगर मैं इसको ढूंढ लूंगा, या आखिर जाएगा तो जाएगा किधर। वो रहा यार गाइस सामने की तरफ जा रहा है, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं रुका था यार गाइस, मुझे इसको गोली मारनी पड़ी। और मेरे ख्याल से ये अभी तक जिंदा है। काम करता हूँ कि इसके पास जाता हूँ। जनरल साहब ने इसको टांगों में इतनी ज्यादा गोलियां मारी थी लेकिन ये फिर भी बच गया। लड़के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? हम लोग का बॉस तुझे छोड़ेगा नहीं। अबे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग को यहाँ पे किसने भेजा है? अगर मैंने बता दिया तो मुझे जाने दोगे क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? अच्छा अच्छा बताता हूँ, गोलियां मारना बंद करो। हाँ ठीक है जल्दी बताओ, किसने भेजा है यहाँ पे तुम्हें? मुझे यहाँ पे हम लोग के बॉस ने भेजा है। और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है? मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ से टपक पड़े, हर चीज बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंगली चल रही थी। अबे मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उस बात का जवाब दो। अच्छा अच्छा पूछो, क्या पूछना है? मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बॉस है किधर? मेरा बॉस अपने प्राइवेट आइलैंड पर है। और तुम्हारा प्राइवेट आइलैंड कहाँ पर है? माउंट चिलियाड के पास जो खाली जगह है वहाँ पे हम लोग का आइलैंड है और हम लोग का बॉस भी उधर ही है। अच्छा तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस तुम्हें तुम्हारा बॉस दे रहा है? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अभी मुझे जाने दो। अभी तुम्हें जाने कैसे दूं? मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगर तो तुम यहां से गए तो मुझे पता है कि तुम दोबारा यहां पर आके अटैक करोगे, तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें जाने तो नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी टांग पे मैंने इतनी ज्यादा गोलियां मारी है, तुम स्विमिंग भी नहीं कर पाओगे। रुको रुको, ये मुझे कहां पे लेके जा रहे हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बस पानी तक छोड़ के आ रहा हूं। तुम पानी के अंदर ही जा रहे थे ना? अबे मुझे हेलीकॉप्टर में छोड़ के आओ। अच्छा अभी तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में छोड़ कर आऊं? चुपचाप यहां से नीचे की तरफ जाओ। अबे ये क्या कर दिया तूने? मैंने तुम्हें पानी के अंदर छोड़ा और क्या किया है? मुझे बचा लो प्लीज। अभी देखो हम लोग की बात छोड़ने की हुई थी और मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी टांग पे एक और दफा नाइफ से अटैक कर लेता हूं, ताकि तुम यहां से बच के जिंदा वापस ना जाओ। और अभी बाकी का काम तो शार्क्स कर लेंगे, मुझे फौरन से पहले अपने हेडक्वार्टर जाना है। मगर एक सेकेंड, यहाँ पे इन लोग के और भी बंदे हैं, मर चुके हैं यार गाइस, लेकिन ये सारे के सारे मर चुके हैं और इन लोग को मारा था मैंने स्टिकी बॉम्ब से। हम लोग की नेवी हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं है जितना इन लोगों ने समझ के रखा है। हाँ बेटी क्या अपडेट है? सर मुझे इन लोग की बॉस की लोकेशन पता चल गई है और अभी मुझे वहाँ पे जाना होगा। ठीक है हाँ बेटी संभल के जाओ। लेकिन सर आप मुझे ये बताओ कि पूरी की पूरी मिलिट्री किधर है हम लोग की? हाँ बेटी आज कोई भी नहीं आया। क्या मतलब आज कोई भी नहीं आया? मुझे तो लगता है हाँ बेटी हमारे सारे के सारे लोग इन लोग के साथ मिले हुए हैं। अबे सर लगता क्या, ये 100% कंफर्म है कि सब के सब लोग इनके साथ मिले हुए हैं, इसीलिए तो यहाँ पे कोई भी आज जॉब पर नहीं आया। और मेरी माने कि आप भी चुपचाप घर चले जाएं। लेकिन हाँ बेटी नेवल हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट कौन करेगा? सर जिसने अब तक प्रोटेक्ट किया है वही करेगा।
करेगा यानी कि मैं। हाँ मेटी, तुम्हें पता ना कि तुम पूरे के पूरे नेवी हेडक्वार्टर के कमांडर हो। हाँ सर, मुझे पता है कि मैं कमांडर हूँ, लेकिन हाँ मेटी, तुमने मेरी जान बचाई और इसलिए आज के बाद तुम चीफ ऑफ नेवी हेडक्वार्टर हो। चीफ ऑफ नेवी? तुमने बिल्कुल सही सुना चीफ। यार गाइस, ये मुझे चीफ बोल रहा है। नेवी हेडक्वार्टर के अंदर सबसे पहला रैंक तो जनरल का होता है और उसके बाद दूसरा रैंक मेरा है। यार गाइस, मैं चीफ बन चुका हूँ। मैं यहाँ पे सोल्जर भर्ती हुआ था और यार गाइस, दो दिन के अंदर अंदर मैं चीफ बन गया हूँ। हाँ मेटी, बात दो दिन की नहीं है, तुमने लॉस सैंटोस को जर्मन से भी बचाया और सिर्फ यही नहीं, तुमने हमें उन लोग की बैटरशिप भी ला के दी। और सर, वो आप लोग की बैटरशिप थी, मैं वो भी लेकर आया था। हाँ मेटी, सिर्फ वो ही नहीं, तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई और इसलिए आज के बाद तुम हाँ मेटी चीफ हो। अच्छा चलो ठीक है सर, अभी आप एक काम करो कि चुपचाप घर जाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है हाँ मेटी, मैं शाम को दोबारा आऊंगा। हाँ ठीक है सर, अभी आप घर चले जाओ। लॉस सैंटोस नेवी का चीफ तो मैं बन गया हूँ और यार गाइस, अभी मेरे ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं। अभी अगर मेरी जान भी चली गई तो चली गई, लेकिन यार गाइस, इस वजह नेवी हेडक्वार्टर को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा किसी भी कॉस्ट पर, और उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा पायरेट्स के बॉस के पास जो कि एक आइलैंड पर रहता है। हाँ बेटी रुको। अबे सर क्या कर रहे हो, गलत टाइम पे आगे आगे, इस तरह अगर जहाज के आगे आओगे तो मर जाओगे। हाँ बेटी मेरी बात सुनो। हाँ सर अभी क्या हुआ? हाँ बेटी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन सर वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, आप मेरे साथ कैसे चलोगे? हाँ बेटी तुमने मेरी जान बचाई, अभी मेरी बारी है तुम्हारी जान बचाने की। नहीं नहीं सर, आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर लूंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ हो गए तो मुझे आपको भी प्रोटेक्ट करना होगा और वो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आप एक काम करोगे, यहीं पे रुको, बल्कि नहीं यहाँ पे ना रुको, आप चुपचाप अपने घर जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन हाँ बेटी तुमने मेरी जान बचाई थी। सर मैंने आपकी जान बचाई थी, आपने मुझे चीफ बना दिया, मेरे लिए इतना काफी है। ठीक है हाँ बेटी, याद रहे तुम चीफ हो और हम लोग के इस वाले हेडक्वार्टर का एक एक इंच तुम्हारा है। हाँ सर मुझे पता है, ये सारी की सारी चीजें मेरी हैं। तुमने सही बोला हाँ बेटी, हम लोग के पास फाइटर जेट्स भी हैं, हम लोग के पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, टैंक्स भी हैं और ढेर सारी बोट्स भी हैं। जी जी ठीक है सर, मुझे पता है कि हम लोग के पास काफी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन आज के बाद दोबारा मेरे जहाज के सामने मत आइएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये फाइटर जेट है और इसकी ब्रेक हर दफा लगती नहीं है। आज तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, लेकिन अगर दोबारा मेरे जहाज के सामने आए तो आपकी जान जा सकती है। ठीक है हाँ बेटी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है थैंक यू सर, अभी आप चुपचाप घर चले जाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। लॉस सैंटोस नेवी का जनरल तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर तो ये मेरे साथ चला तो यार गाइस, मुझे इसको भी प्रोटेक्ट करना होगा, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी मुझे फटाफट से जाना होगा पायरेट्स के आइलैंड पर। मुझे पता है कि यार गाइस, इन लोग के आइलैंड पर काफी ज्यादा खतरनाक आर्मी होने वाली है, और हो सकता है कि ये लोग मुझे कैद कर लें या फिर ये लोग मुझे मार दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक दफा मुझे इन लोग का बॉस मिल गया तो यार गाइस, वो मुझसे बचेगा नहीं। ये लोग लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से इन लोग की कोई और भी प्लानिंग है जो कि अभी तक मुझे पता नहीं है। एक दफा बस मुझे इन लोग का बॉस मिल गया तो फिर यार गाइस, मुझे इन लोग का प्लान भी पता चल जाएगा। नहीं बचेंगे आज ये वाले पायरेट्स, बचेंगे नहीं। और इनकी शक्ल देख के मुझे लग रहा था कि ये कोई सोमालियन वगैरह या पता नहीं कौन है, हम लोग को पता नहीं है। और एक सेकेंड, ये इन लोग का आइलैंड है। अभी मुझे यहाँ पे अपने फाइटर जेट को रोकना होगा, थोड़ा सा आगे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे अपने फाइटर जेट को रोकना है, कुछ भी करके मुझे इसको रोकना ही। ओके यार गाइस, ये क्रैश नहीं करेगा, मगर क्या, हम लोग का फाइटर जेट फट चुका है और अब तक तो सबको पता भी चल गया होगा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। नहीं बचूंगा, अभी नहीं बचूंगा, थोड़ा सा भागना होगा। एक काम करता हूँ कि इस वाले पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। अभी तक तो मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा यार गाइस, लगता है कि मैं फजूल में डर रहा था। एक काम करता हूँ कि धीरे धीरे आगे जाके देखता हूँ, बट यार गाइस, ये पूरा का पूरा आइलैंड मुझे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और एक सेकेंड, ये लोग आ गए। मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मगर इन लोग की पूरी आर्मी है यहाँ पर। मुझे इन लोग को हेडशॉट्स मारनी होगी। खतरनाक है यार गाइस, ये सब के सब लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी क्या करूं, मुझे यहाँ से थोड़ा सा भागना होगा, ये लोग काफी ज्यादा है। मुझे लगा था कि एक दो होंगे, बट नहीं यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा है यहाँ पर। एक काम करता हूँ कि इस वाले पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी यहाँ पे खड़े होके मुझे इन लोग को मारना है यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा है और ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। और इनको मारने का एक ही तरीका है, वो है हेडशॉट। लेकिन मैं भी यहाँ पे ऐसे तो नहीं आया हूँ यार गाइस, मैं पूरी की पूरी तैयारी करके आया हूँ और मेरे पास रॉकेट लॉन्चर्स भी है। अगर एक दफा ये लोग मेरे सामने आ गए तो मैं रॉकेट लॉन्चर उड़ा दूंगा। गए यार गाइस, लगता है कि गए, एक तो क्या, और अभी ये बाकी भी नहीं बचेंगे। अभी क्या करूं यार गाइस, मुझे थोड़ा सा और आगे जाना है। लेकिन वेट यार गाइस, ये लोग मेरे काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। और एक सेकंड, ये मैंने कहां पे आग लगा दी, थोड़ा सा आगे जाके मुझे यहां पे आग लगानी है ताकि ये लोग मेरे करीब ना आ पाए। जलाना होगा यार गाइस, मैं अभी इन लोग को जला के मारने वाला हूं। एक तो गया और ये दूसरा भी गया। मैं बस चाहता हूं कि यार गाइस, ये लोग मेरे करीब ना आए। जल रहे हैं धीरे धीरे, ये सब लोग यहां पे जल रहे हैं।
रहे हैं, मुझे यही चाहिए था। और अभी टाइम आ चुका है इन लोग को मारने का, एक तो क्या मगर वेट यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा हैं, बिलीव मी ये लोग काफी ज्यादा हैं। मुझे लगा था कि 10-15 लोग होंगे लेकिन ये तो 100 के हिसाब से हैं। पता नहीं कितनी आर्मी है इन लोग की, और सामने इन लोग का सीक्रेट बेस है। ओपी यार गाइस, इन लोग का सीक्रेट बेस भी काफी ज्यादा ओपी है। और ये बंदा अभी तक जिंदा है मगर बचेगा नहीं, मर गया यार गाइस, फाइनली ये तो मर गया है। लेकिन मुझे अभी तक कोई बंदा गोलियां मार रहा है और मुझे उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है यार गाइस, किधर गया ये रहे। ओपे नहीं यार गाइस, यहाँ पे काफी ज्यादा है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं और इनको मारने के लिए मुझे यहाँ पे ग्रेनेड फेंकना है। बिल्कुल सही टाइम पे गए गए गए, मर गए यार गाइस, मर गए ये लोग। तीन लोग तो मर चुके हैं। इन लोग को लगता है कि सिर्फ इन लोग के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट है, लेकिन यार गाइस मैंने भी वेस्ट पहन के रखी है और मैं यहाँ पे पूरी तैयारी से आया हूँ। इतनी जल्दी तो ये लोग मुझसे भी नहीं बचने वाले हैं। धीरे धीरे ये सब लोग यहाँ पे मरते जा रहे हैं। पता नहीं इन लोग का प्लान क्या है और ये लॉस सैंटोस के अंदर इस वाले आइलैंड पर कर क्या रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वाला आइलैंड एक प्राइवेट बिजनेसमैन का था, तो फिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगता है कि इन लोगों ने कब्जा किया होगा। हाँ यार गाइस, इन लोगों ने कब्जा किया होगा। वैसे भी ये पायरेट्स हैं और पायरेट्स सारे के सारे आइलैंड्स और शिप्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, मगर मेरे ख्याल से तो मर गए यार गाइस, फाइनली ये सब के सब लोग मर चुके हैं। और मुझे अभी ढूंढना है इन लोग के बॉस को यार गाइस, पता नहीं इन लोग का बॉस कौन सा होगा। ये भी मर गया है, मर गए यार गाइस, सारे के सारे लोग मर चुके हैं। अभी एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जाके देखते हैं यार गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो पूरा का पूरा इन लोग का प्राइवेट आइलैंड है। मैं अभी ज्यादा आगे तो नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर एक रेंज रोवर खड़ी हुई है और साथ में दो प्राइवेट वैन्स भी हैं जो कि ब्लैक कलर की हैं। क्या प्लानिंग होगी इन लोग की यार गाइस, कुछ ना कुछ तो ये लोग प्लान कर रहे होंगे। अभी तक तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, मगर एक सेकेंड, यहाँ पे रेंज रोवर है और यहाँ पे मस्टैंग खड़ी हुई है और वेट, एक यहाँ पे ऑफ रोड व्हीकल और दो मोटर बाइक्स भी हैं। पूरी की पूरी तैयारी करके रखी है इन लोगों ने और ये लोग काफी ज्यादा अमीर लग रहे हैं मुझे। लेकिन अभी मुझे पता लगाना है कि इन लोग का बॉस किधर है। और वेट एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से इन लोग का बॉस है। हाँ वैसे यार गाइस, ये इन लोग का बॉस है। 3-2-1 गया यार गाइस, ये भी काम से। और लगता है कि यार गाइस बस यही लोग थे यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैंने सब लोग को मार दिया है, मगर इन लोग की मोटर बाइक्स भी बहुत ज्यादा ओपी हैं। लेकिन एक दिक्कत है यार गाइस, मुझे इन लोग के बॉस को जिंदा पकड़ना है। मगर नहीं यार गाइस, जिसको मैंने ऊपर मारा कहीं वो इन लोग का बॉस तो नहीं था। मगर नहीं यार गाइस, वो बॉस नहीं था, मुझे बोट की आवाज आ रही है। यहाँ कहीं पे किसी के पास बोट भी है यार गाइस, मुझे बोट की आवाज आ रही है। एक काम करता हूँ कि ये वाली मोटर बाइक पकड़ता हूँ और जल्दी से जाके देखता हूँ कि बोट किधर है यार गाइस, मुझे बोट की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ कहीं पे किसी के पास बोट है और मेरे ख्याल से इन लोग का बॉस जो है वो बोट से निकलने की कोशिश कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा यार गाइस, भागने तो मैं इन लोग को नहीं देने वाला हूँ। लेकिन अभी बोट्स किधर है यार गाइस, बोट्स तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक सेकंड, सामने की तरफ लाइट्स हैं और मेरे ख्याल से इन लोग की बोट्स भी इधर ही होंगी। अभी मुझे फौरन से पहले इन लोग को भागने से रोकना होगा, इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल जाए मुझे इन लोग को रोकना है। सबसे पहले तो मैं इस वाली बोट को डिस्ट्रॉय करूंगा और अभी बारी है इसके भरने की। अबे रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ गोली मार दूंगा, चुपचाप यहाँ पे रुक जाओ। अबे तू कौन है? क्या यार गाइस, ये ऐसे मेरी बात नहीं मानेगा, इसको मुझे पानी के अंदर ही पकड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ चुपचाप यहाँ पे रुक जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं मुझसे। लेकिन तू है कौन? मैं लॉस सैंटोस नेवी का चीफ हूँ और तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते हो और तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते हो। पकड़ तो मैं तुम्हें लूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि चुपचाप रुक जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं। नहीं पकड़ पाओगे तुम मुझे, कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं पायरेट हूँ और मुझे स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है, और मैं नेवी का चीफ हूँ, मुझे स्विमिंग तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से आती है। चुपचाप यहाँ पे रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पूछो, तुमने क्या पूछना है? मैंने तुमसे ये पूछना है कि तुम लोग का क्या प्लान है, तुम लोग लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करना क्यों चाहते हो? ये प्लान हमारा नहीं, हम लोग के बॉस का है। अबे ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा भी बॉस है क्या? तुमने सही सुना, हमारा भी बॉस है। लेकिन ये तुम्हारा बॉस है किधर? अगर मैंने तुम्हें उसकी लोकेशन बताई तो तुम मुझे छोड़ दोगे? अगर तो तुमने मुझे लोकेशन बिल्कुल सही बता दी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से लोकेशन बता दो। लेकिन प्रॉमिस करो छोड़ दोगे? अबे तुम मुझे बताते हो या फिर मैं तुम्हें मार दूं? तुम्हारी स्विमिंग की स्पीड इतनी तेज कैसे है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मैं नेवी का चीफ हूं, और अभी मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूं तुम लोग का बॉस किधर है? हम लोग का बॉस अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। अपना मिलिट्री बेस बना रहा है क्या मतलब? जिस तरह तुम लोग का नेवी हेडक्वार्टर मिलिट्री बेस है, उस तरह हम लोग अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे और उसके बाद पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को खत्म करेंगे। अच्छा प्लान तो तुम्हारा काफी ज्यादा ओपी है, और जब मैं तुम लोग के बॉस को पकड़ूंगा बाकी की बातें मैं उससे कर लूंगा। अभी तुम्हारे पास चांस सिर्फ एक है, मुझे बताओ कि उस वाले मिलिट्री बेस की लोकेशन कौन सी है जो कि तुम लोगों ने बना रखा है। अगर बताऊंगा तो छोड़ दोगे? अगर नहीं बताओगे तो मार दूंगा, अगर बताओगे तो हो सकता है कि छोड़ दूं। लेकिन तुम थक क्यों नहीं रहे हो? थकूंगा नहीं, मैं लॉस सैंटोस नेवी का चीफ हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही नेवी में भर्ती हो गया था? अच्छा बताता हूं, पीछा छोड़ो मेरा, जल्दी बताओ लोकेशन किधर है। माउंट चिल्यार्ड के पीछे हम लोग अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं। माउंट चिल्यार्ड की बैक साइड पर? तुमने बिल्कुल सही सुना, माउंट चिल्यार्ड की बैक साइड पर हम लोग अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं, और वहीं पे तुम्हें हम लोग का बॉस मिलेगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग के बॉस का प्लान क्या है?
हम लोग का बॉस एक ट्रेन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब को लगा रहा है और वो ट्रेन जैसे ही लॉस सैंटोस के अंदर जाएगी पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, ट्रेन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लानिंग तो तुम लोग की कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, लेकिन अभी वो क्या है ना कि तुम हो एक टेररिस्ट और टेररिस्ट को मैं छोड़ दूं ये बात अच्छी तो नहीं है। ऊपर से तुम लोगों ने मेरी आर्मी के जनरल के ऊपर भी अटैक किया था और साथ में तुमने मुझे काफी ज्यादा भगाया भी है, तो अभी तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। मगर एक सेकंड आकाश बच गया, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है ये मुझसे बच रहा है। अबे छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे मुझे। ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम लोग लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। लेकिन हां, मैं तुम्हें भागने का पूरा मौका दूंगा, तुम जितना भाग सकती हो भाग लो, लेकिन मेरा स्टेमिना खत्म नहीं होगा, तुम थक जाओगे। अभी ये तो तुम्हारी किस्मत है, अगर तुम मुझसे बच गए तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मैंने पकड़ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, फिर मुझे पकड़ के दिखाओ। अभी अगर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मुझे तुम्हें पकड़ना तो होगा। और यार गाइस, अभी ये मेरे बिल्कुल ऊपर है, मगर मुझे इसको क्रॉस करना होगा। कहां गया ये रहा, दोबारा बच गया। और वेट यार गाइस, अभी नहीं बचेगा, अभी इसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। मुझे कुछ भी करके इसको रोकना है, कुछ भी करके मुझे इसको रोकना होगा। और यार गाइस, गया फाइनली, ये गया काम से। मगर एक सेकंड यार गाइस, दोबारा बच गया, किस्मत अच्छी है इसकी। पानी के अंदर इसको मारने का मेरे पास कोई और प्लान तो नहीं है, क्योंकि यार गाइस पानी के अंदर तो गन भी नहीं चलती है। मगर गया फाइनली यार गाइस, ये मर चुका है। मैंने इसको बोला था कि अगर ये भाग जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन यार गाइस ये बेचारा नहीं भाग पाया और मैंने इसको पानी के अंदर ही खत्म कर दिया। यार गाइस ये मर चुका है, ये पूरे तरीके से मर चुका है। मैं दोबारा एक दफा चेक कर लेता हूँ। हाँ यार गाइस ये मर चुका है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा माउंट चिलियार्ड की बैक साइड पर। यार गाइस पता नहीं ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे तो इसने बताया कि ये लोग ट्रेन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके जा रहे हैं। रोकना होगा यार गाइस, मुझे इन लोग को रोकना होगा, ये लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्लान बना रहे हैं। और एक सेकेंड, सामने की तरफ लॉस सैंटोस है और मैं आया था पीछे वाली साइड से। मेरा फाइटर जेट तो ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है, तो अभी एक काम करता हूँ कि एयरपोर्ट निकलता हूँ। यार गाइस एयरपोर्ट यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, सबसे पहले मुझे लॉस सैंटोस बीच पर जाना है, वहां से मैं गाड़ी पकड़ूंगा और फिर सीधा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पकड़ के मैं जाने वाला हूँ माउंट चिलियार्ड की बैक साइड पर। फाइनली मैं लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पर तो आ गया हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी क्या करूंगा यार गाइस, हेलीकॉप्टर को यहाँ पर होना चाहिए था, बट यहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक सेकंड, अबे नीचे आजा, नीचे आजा, प्लीज नीचे आजा, मुझे तेरा हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। अबे नहीं 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 यार गाइस, ये चला गया ऊपर। अब क्या करूंगा, यहाँ पे तो कोई और हेलीकॉप्टर है भी नहीं। मैं एक सेकंड जरा सामने हेलीपैड पर देख लेता हूँ, हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर खड़ा हो, बट नहीं यार गाइस, ये तीनों के तीनों हेलीपैड खाली है। और मुझे अभी फौरन से पहले माउंट चिलियार्ड की बैक साइड पर इन लोग के मिलिट्री बेस के अंदर जाना है। खतरनाक है यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, पूरा का पूरा अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं ये लोग। और मुझे कुछ भी करके इन लोग को रोकना है यार गाइस, क्योंकि मैं लॉस सैंटोस नेवी का चीफ हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करना। सामने की तरफ मुझे एक एरोप्लेन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी एरोप्लेन को तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, मेरे पास एक और आइडिया है। सबसे पहले मैं सामने वाले एरोप्लेन को उठाऊंगा, उसके बाद ये वाला एरोप्लेन में लेके जाऊंगा अपने नेवल हेडक्वार्टर्स के अंदर और फिर वहां से मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। अभी यही मेरे पास प्लान है, फौरन से पहले इस वाले एरोप्लेन के अंदर बैठता हूँ। मेरे ख्याल से तो ये किसी का प्राइवेट जेट भी आप लोग बोल सकते हो, लेकिन ये ज्यादा महंगा नहीं है, मगर हम लोग के काम आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास जो भी है यही है। इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही स्लो है, वो क्या है ना कि यार गाइस मैंने फाइटर जेट्स काफी ज्यादा उड़ाए हैं, तो इसलिए मुझे फाइटर जेट्स की आदत लगी हुई है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही स्लो है, ये तो 10 घंटे लगा देगा पहुंचने में। टर्बो वर्बो है क्या इसके अंदर? हाँ यार गाइस टर्बो है इसके अंदर। अभी हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन वेट यार गाइस ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसको मैं रोकूंगा किस तरह? और एक सेकंड, ये नीचे बोट किसकी है? अबे यार गाइस ये तो वही बोट है जिस पर मैं आया था, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई? अबे यार गाइस मेरी बोट यहाँ तक पहुंच गई है, लेकिन अभी मुझे बोट की जरूरत नहीं है यार गाइस, मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर किधर है? खड़ा हुआ यार गाइस, सामने 2 हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं, लेकिन साथ में मुझे इस वाले एरोप्लेन को भी यहाँ पे रोकना है। रुक जा रुक जा रुक जा बे रुक जा रुक जा, बच गए, पानी के अंदर जाने वाला था यार गाइस, हम लोग बच गए। अभी एक काम करता हूँ कि वापस से इसको गोल घुमाता हूँ और अभी बिल्कुल सीधा जाके मैं इसको यहाँ पे लैंड करने वाला हूँ। अभी तो यार गाइस हम लोग इजीली इसको लैंड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास काफी ज्यादा बड़ा रनवे है। और ये रहे यार गाइस, हम लोग का एरोप्लेन यहाँ पे लैंड हो चुका है। मगर एक सेकेंड, जनरल साहब अभी तक गए नहीं क्या?
पे यार गाइस, एक तो ये जनरल कहीं जाता ही नहीं है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि घर चला जाए लेकिन ये घर नहीं जा रहा। हाँ मिलिट्री, क्या अपडेट है सर? ये लोग अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं। अपना मिलिट्री बेस क्या मतलब? सर अभी तक तो मुझे यही पता चला है कि ये लोग अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं और ये लोग लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन आमेटी डिस्ट्रॉय किस तरह करेंगे? इन लोग का प्लान ये है कि ये लोग एक ट्रेन बना रहे हैं और उस वाली ट्रेन के अंदर ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करेंगे, फिर वो वाली ट्रेन आएगी लॉस सैंटोस के अंदर और बिल्कुल लॉस सैंटोस के सेंटर में आके वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे। शाबाश आमेटी, तुम बहुत अच्छी खबर लेकर आयो। लेकिन अभी आगे का क्या प्लान है? सर आगे का प्लान मैं देख लूंगा, आप प्लीज घर जाओ। नहीं आमेटी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अबे नहीं सर, आप अपने घर वापस जाओ। मगर एक सेकेंड, ये तो पीछे पीछे आ रहा है, मैं इसको अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता हूँ यार गाइस, ये मर जाएगा। अबे नहीं 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 नहीं, जल्दी से मुझे उड़ना होगा। मगर वेट यार गाइस, बैठ गया ये जनरल, बैठ गया, मुझे इसको थोड़ा सा भगाना होगा। जनरल साहब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ नहीं चलो, अगर तो पायरेट्स के आइलैंड पर आप मेरे साथ होते तो मैं कभी भी नहीं बचता। लेकिन आमेटी मुझे लेके चलो। अबे नहीं ना सर, मैं आपको नहीं लेके जा सकता हूँ, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन आमेटी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक तो यार गाइस ये कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा है। लेकिन सर अगर आप मर गए तो फिर मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपने साथ नहीं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन आमेटी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन सर मुझे आपके प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है। आमेटी अभी तुम चीफ बन गए हो तो मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, चीफ भी तो आपने मुझे बनाया और वैसे भी आप जनरल हो, मैं तो आपके अंडर ही काम करता हूँ। आमेटी तुम्हें चीफ का मतलब पता है कि पूरा का पूरा पानी तुम्हारे अंडर है, सारी की सारी बैटलशिप, सारे के सारे एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स, नेवी का पूरा का पूरा हेडक्वार्टर तुम्हारा है। लेकिन सर फिर भी मैं तो नेवी का ही हूँ ना, और मुझे इन सारी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करना है और इन लोग की ट्रेन को लॉस सैंटोस अंदर आने से पहले पहले डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन अभी आप भी मेरे साथ आ गए हो और अभी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। सर मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप दोबारा सोच लो। आमेटी मैंने 10 दफा सोच लिया है। चलो ठीक है, अगर आप बोलते हो तो चलो मेरे साथ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आगे बहुत बड़ा खतरा है और मेरे ख्याल से तो मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आमेटी ये नीचे क्या चीज है? सर यही तो है इन लोग का मिलिट्री बेस, काफी ज्यादा बड़ा है साइज में और बिल्कुल माउंटेन्स के पीछे छुपा के इन लोगों ने बनाया है। मगर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इन सब लोग का बंदोबस्त कर लूंगा। लेकिन आमेटी ये मिलिट्री बेस तो साइज में बहुत बड़ा है। जी सर मुझे पता है साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप हेलीकॉप्टर के अंदर ही बैठे रहना। आमेटी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अबे नहीं सर, आप हेलीकॉप्टर के अंदर ही रुको प्लीज। नहीं आमेटी, साथ चलूंगा। अबे सर अब मैं आपको बचाऊंगा या फिर अपने आप को बचाऊंगा या फिर उन लोग को मारूंगा? आप देख रहे हो कि ये वाला मिलिट्री बेस साइज में कितना ज्यादा बड़ा है, आप मेरी हेल्प करना चाहते हो ना? हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। तो ठीक है फिर, आप इस वाले हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके यहाँ पे खड़े हो, मैं बस जल्दी से इन लोग का मिशन फेल करके आता हूँ। ठीक है आमेटी, याद रहे तुम्हें उस वाली ट्रेन को यहीं पे डिस्ट्रॉय करना होगा। जी ठीक है सर, मैं बस यूं गया और यूं आया। फाइनली यार गाइस, जनरल ने मेरी बात मान ली है और अभी एक काम करता हूँ कि यहाँ से तो नहीं जाऊंगा, मुझे जाना होगा बैक साइड पर और फिर वहाँ से मैं ऊपर जाके उन लोग के ऊपर अटैक करूंगा। और एक सेकेंड, हाँ भाई पार्टी चल रही है क्या यहाँ पर? हाँ पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? सॉरी सर, सॉरी। भागो यहाँ से, पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे चाहिए होगी जे वाली जेट्स की, जो कि मैं लेके जाऊंगा बिल्कुल वहाँ पर, और उसके बाद बाकी का तो पूरा का पूरा प्लान ऑलरेडी है मेरे पास। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार गाइस, सामने इतना बड़ा मिलिट्री बेस बना हुआ है और ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अभी इन बेचारों को क्या पता कि यार गाइस ये लोग टेररिस्ट हैं। मेरे ख्याल से तो इन लोग को लग रहा होगा कि ये लॉस सैंटोस नेवी का हेडक्वार्टर है, मगर रियल में ऐसा नहीं है। और सामने मुझे एक सबमरीन भी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा बड़ी है साइज में। मगर मुझे अभी ये वाली सीढ़ियां पकड़ के ऊपर जाना है। कहां गई सीढ़ियां, कहां गई? ये रे यार गाइस, फाइनली मैं ऊपर तो आ चुका हूं और साथ में मैंने अपनी फेवरेट गन को भी उठा ली है। ये वाली गन साइज में छोटी है और ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। मगर एक सेकेंड, यहाँ पे कैमरा को मुझे पहले डिस्ट्रॉय करना होगा और अभी मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अब तक तो इन लोग को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन ये लोग भी मुझसे बचेंगे नहीं। और एक सेकेंड, ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है? पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। मगर नहीं यार गाइस, अभी पासवर्ड तो मुझे नहीं पता है, मगर मेरे पास एक प्लान है यार गाइस। आप सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद ये वाला दरवाजा खुल जाएगा। बिलीव मी यार गाइस, जैसे आप लोग वीडियो को लाइक करोगे ये वाला दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मैं साथ साथ जोर तो लगा रहा हूँ मगर अभी तक खुल नहीं रहा है। जल्दी से यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद कमेंट करके लिख दो आर्मी ओपी। जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके लिखोगे आर्मी ओपी, उसके बाद ये वाला दरवाजा खुल जाएगा। बिलीव मी यार गाइस, उसके बाद ये वाला दरवाजा खुल जाएगा। और आई होप कि यार गाइस अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मैं दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। ओपे खुल जा, खुल गया। फाइनली यार गाइस ये वाला गेट ओपन हो चुका है और अभी तक तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, मगर यार गाइस ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। एक काम करता हूँ कि धीरे धीरे यहाँ से
आगे की तरफ जाता हूँ, उसके बाद मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। काफी ज्यादा बड़ा मिलिट्री बेस है, मगर वेट ये क्या चीज है, ये तो टॉयलेट है। मुझे यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है। यहाँ पर तो यार गाइस काफी ज्यादा चीजें, और एक सेकेंड यहाँ पर तो बंदे भी है। इन लोग को पता चल गया कि यार गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अभी ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे जल्दी से इन लोग के बॉस को ढूंढना होगा यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये तो अंदर से निकला था, मगर मैं काम करता हूँ कि ऊपर की तरफ जाता हूँ और अभी थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं यार गाइस, इन लोग की काफी ज्यादा बड़ी प्लानिंग है, मगर एक सेकंड ये मुझे गोलियां मार कौन रहा है। इतने बड़े मिलिट्री बेस के अंदर कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये रहा, एक बंदा तो यहाँ पे था और ये तो गया काम से। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ, मगर वेट यार गाइस, इतनी बड़ी सबमरीन मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये कौन लोग है यार गाइस, क्या प्लानिंग है इन लोग की। इतनी बड़ी सबमरीन के अंदर पता नहीं क्या चीजें ये लोग लोड कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये लोग। और एक सेकंड, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, गए यार गाइस, दोनों के दोनों मर चुके हैं। मगर वेट, इन लोग की प्लानिंग काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इन लोग के पास जाना होगा। और ये वाली सबमरीन को तो मैं चला भी सकता हूँ, ओपी यार गाइस। मैं तो लॉस सैंटोस नेवी का चीफ हूँ और ये वाली सबमरीन आज के बाद लॉस सैंटोस नेवी के अंदर आने वाली है, मगर मैं थोड़ी देर के अंदर इसको चला के भी देखूंगा। और एक सेकंड, ये पानी के नीचे क्या चीज है। अबे नहीं यार गाइस, ये तो शार्क है, दिखने में तो मुझे ये शार्क लग रही है या फिर कोई वेल मछली लग रही है। एक सेकंड यार गाइस, ये तो वेल है, और ये वेल यहाँ पे क्या कर रही है। एक सेकंड यार गाइस, मैंने पहले कभी भी वेल को नहीं देखा है। और आप लोग देख रहे हो कि यार गाइस, ये तो रियल वाली वेल है, मगर ये पानी के अंदर क्या कर रही है। अबे यार गाइस, कितनी ज्यादा ओपी है, विश्वास नहीं आ रहा कि मैं वेल के सामने खड़ा हुआ हूँ। लेकिन क्या करूँ, इसको मार दूं क्या, बल्कि नहीं यार गाइस, वेल को मैं क्यों मारूंगा। लॉस सैंटोस के अंदर हम लोगों ने शार्क्स तो देखी है, मगर यार गाइस वेल मैंने पहली दफा देखी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये वाली वेल भी इन लोगों ने पाल के रखी होगी, मगर ओपी थी यार गाइस, काफी ज्यादा ओपी थी। मैंने पहले कभी भी लॉस सैंटोस के पानियों के अंदर वेल नहीं देखी। डॉल्फिन भी मैंने देख के रखी है और शार्क भी देख के रखी है, लेकिन यार गाइस इतना बड़ा मिलिट्री बेस भी नहीं देखा मैंने। और अभी तो ये लोग मुझे गोलियां भी मार रहे हैं। एक काम करता हूँ कि वापस से यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ, मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ पर हैं। मुझे इन लोग की लोकेशन दिखाई दे गई है, और यार गाइस ये लोग काफी ज्यादा हैं, और इन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क भी पहन के रखे हैं। पता नहीं ये लोग कौन है, लेकिन यार गाइस मैं इन लोग को छोड़ने तो नहीं वाला हूँ। धीरे धीरे मैं इन सब लोग को यहाँ पे मारूंगा, और मुझे पता लगाना है कि इन लोग का बॉस कौन सा है। और एक सेकंड, ये पानी के अंदर क्या है, काफी ज्यादा मजे की चीज है यार गाइस, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मगर वेट, एक सबमरीन पीछे की तरफ खड़ी है, एक सबमरीन सामने की तरफ है। मुझे लगा था कि टोटल एक ही सबमरीन होगी, मगर नहीं यार गाइस, यहाँ पर दो हैं। लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया था कि न्यूक्लियर वेपन ट्रेन के अंदर है, और यहाँ पर तो सबमरीन खड़ी है और सामने हेलीकॉप्टर भी है। मगर इस सामने वाली सबमरीन के अंदर से धुआं भी निकल रहा है, ये बिल्कुल स्टार्ट हुई हुई है। हम लोग इसको चला भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको नहीं चलाऊंगा। ये सारे के सारे चीजें हम लोग के लॉस सैंटोस नेवी हेडक्वार्टर के अंदर आने वाली है। और बिलीव मी यार गाइस, ये पूरा का पूरा मिलिट्री बेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे पूरा का पूरा मिलिट्री बेस घुमाता हूँ। इसके अंदर बहुत ज्यादा मजे की चीजें आ गए। आप लोगों ने शार्क तो देख ली होगी, मगर नहीं, शार्क बोल रहा हूँ, आप लोगों ने वेल तो देख ली होगी, और इस तरह की वेल हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी है। मगर वेट, ये क्या चीज है, ये तो मुझे कोई बड़ी सी शिप लग रही है, मगर नहीं यार गाइस, ये शिप नहीं है, ये इन लोग के मिलिट्री बेस का कोई रनवे वगैरह होगा। मगर मुझे पहले सामने की तरफ देखना है, और एक सेकंड, यहाँ पर मुझे थोड़े से और कमांडर्स दिखाई दे रहे हैं, और मुझे अभी इन लोग को यहाँ पे फेलना होगा। इसको पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन ये बचेगा नहीं। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, और लगता है कि बस यही थे यार गाइस, सामने वाली शिप के अंदर यही थे। यहाँ पर थोड़े से ऑयल के डब्बे पड़े हुए हैं, और ये इन लोगों की सबमरीन है जिसको मैं अभी डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से तो हम लोग का ग्रेनेड वहां तक पहुंच जाएगा। एक सेकेंड, ग्रेनेड तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, मेरे ख्याल से अभी पहुंच गया। और यार गाइस, ये वाली सबमरीन मैंने डिस्ट्रॉय कर दी है, अभी इस बड़ी वाली को भी डिस्ट्रॉय करूं क्या, कर देता हूं यार गाइस। वैसे भी हम लोग को एक ही सबमरीन चाहिए, तो इस बड़ी वाली को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूं। लेकिन इतना छोटा ग्रेनेड इतनी बड़ी सबमरीन को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता यार गाइस, इम्पॉसिबल है। मुझे यहाँ से अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, फटाफट से अपनी AK-47 निकाल लेता हूँ। और वेट यार गाइस, यहाँ पे अंदर बंदा मुझे मारने के लिए रेडी खड़ा हुआ है, और ये तो गया काम से। मगर एक सेकेंड, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, बिलीव मी यार गाइस, ये लोग काफी ज्यादा हैं, मगर बचेंगे नहीं, ये लोग मुझसे बचेंगे नहीं। यहाँ पे तो वर्कर्स के पास भी वेपन्स हैं, मगर एक सेकेंड, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, मेरे ख्याल से सामने वाले सबमरीन को देख रहे थे। मुझे बस इन लोग के बॉस को ढूंढना है, अभी पता नहीं इन लोग का बॉस किधर होगा। मगर वेट एक सेकेंड, ये कंटेनर के अंदर क्या चीज है। मैंने आप लोग को बोला था ना कि यार गाइस, ये वाला मिलिट्री बेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक कंटेनर के अंदर गाड़ी है, और दूसरा कंटेनर खाली है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक गाड़ी तो हम लोग को मिल गई है। और ये मुझे कोई पुराने जमाने की लैम्बोर्गिनी लग रही है, ओपी है, काफी ज्यादा ओपी है। और अभी ये सारी की सारी चीजें हम लोग की होने वाली हैं। मैं थोड़ा सा और डिस्कवर करता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी काम की चीजें मिल जाएंगी हम लोग को। एक तो मुझे गाड़ी मिली है, और ऊपर आप लोग देख
रहे हो कि यार गाइस मिसाइल्स हैं, ये वाले मिसाइल्स हम लोग को नहीं चाहिए हैं और गाड़ी भी हम लोग को एक मिल गई है। अभी एक काम करता हूँ कि गाड़ी को लेके निकलता हूँ, लेकिन अभी ये वाली गाड़ी यहाँ से बाहर कैसे आएगी? निकाल लेंगे यार गाइस कुछ ना कुछ करके, इस वाली गाड़ी को भी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। मगर एक सेकेंड, थोड़ी सी फंस गई है, इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टर्न करना है और अभी थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ इसको। निकल जा निकल जा, थोड़ी सी तो निकल गई है और थोड़ी सी निकलना अभी तक बाकी है। निकाल लेंगे यार गाइस यहाँ से, निकल जाएगी, थोड़ी सी क्रैश हो जाएगी बट यार गाइस हम लोग की गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से। निकल जा निकल जा निकल जा, ऑलमोस्ट निकल गई है, बस थोड़ा सा रह गया है। काफी ज्यादा रेसें दे रहा हूँ मैं और ये निकलेगी। मुझे लगता है कि यार गाइस हम लोग की गाड़ी निकल सकती है, बस मुझे इसको थोड़ा सा और पुश करना है। अबे निकल जा बाहर, निकल जा बाहर, निकल जा। फाइनली यार गाइस हम लोग की गाड़ी बाहर आ चुकी है, अभी हम लोग घूमेंगे इस वाली गाड़ी पर। लेकिन अभी एक सेकेंड, यहाँ से निकालना है मुझे इसको। इसके दरवाजे थोड़े से डैमेज हो गए हैं लेकिन दिक्कत नहीं है, गाड़ी तो हम लोग के पास फाइनली यार गाइस आ चुकी है। अभी हम लोग फुल स्पीड में पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को डिस्कवर करने वाले हैं। ये वाली साइड तो हम लोगों ने देख ली है लेकिन आगे वाली साइड देखना अभी तक बाकी है। और ये रे यार गाइस, ये तो है वो ट्रेन जिसका मैं वेट कर रहा था। फाइनली हम लोग को ट्रेन मिल चुकी है, मगर यहाँ पर तो बंदे भी हैं। हाँ वैसे आ गए, यहाँ पे बंदे भी हैं और साथ में इन लोग के पास टैंक्स भी हैं। अभी इस वाली गाड़ी को हम लोग बाय बाय करते हैं और फटाफट से मैं ये वाला टैंक उठाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस वाली साइड को भी क्लियर करना है। आई होप कि यार गाइस यहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है। और हाँ यार गाइस यहाँ पर एक बंदा मुझे दिख गया, मुझे लगा था कि कोई भी नहीं होगा बट एक बंदा है यहाँ पर और वो खड़ा हुआ है यहाँ पर। फाइनली यार गाइस ये भी मर गया और लगता है कि यहाँ पर यही था। अभी एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाके देखता हूँ, मुझे तो लगता है कि यार गाइस लॉस सैंटोस नेवी का कोई ना कोई बंदा इन लोग के साथ मिला हुआ है। मगर एक सेकेंड, ये क्या चीज है, पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है इन लोगों ने लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करने का, मगर इन बेचारों का प्लान अभी यहाँ पे चौपट होने वाला है क्योंकि यार गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और साथ में मेरे ऊपर गोलियां भी आ रही है। मगर ये मार कौन रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहां पर होगा। एक काम करता हूं कि पहले नीचे जाके देखता हूं। आई होप के यार गाइस चोट नहीं लगेगी, बट चोट लग गई, मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है। और इस वाले सिलेंडर को मैं ब्लास्ट नहीं कर सकता हूं। मगर एक सेकेंड, सामने की तरफ बंदे खड़े हैं और साथ में मुझे टैंक्स भी दिखाई दे रहे हैं। लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी तो इन लोगों ने पूरी की पूरी कर रखी है, लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि यार गाइस मैं यहां पर आ चुका हूं, नहीं बचेगा, इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला है। सामने मुझे टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे सामने की तरफ जाना है। मगर एक सेकेंड, ये क्या सीक्रेट टनल है क्या? हां वैसे गाइस मुझे पता है कि इन लोगों की सीक्रेट टनल भी होने वाली है, लेकिन अभी मुझे वापस से ऊपर जाना है। अभी मेरे सामने एक और बंदा खड़ा हुआ है, ये तो गया काम से, एक नहीं दो थे। और एक भाई साहब यहाँ पे चुपके खड़ा हुआ है। अबे मर जाओगे तुम, पागल कहीं गए यार गाइस, ये बेचारा भी मर गया है। शायद इसको पता नहीं है कि मैं काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और ये टैंक्स मैंने पहले कभी नहीं देखे, ये काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। इनके पीछे बंदा भी बैठ सकता है क्या? ओपी यार गाइस, ये सारी सारी चीजें हम लोग की हैं, दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम लोग की होने वाली हैं। और इन वाले कंटेनर्स के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, मेरे ख्याल से न्यूक्लियर यहीं से होके गुजरेगा। और अभी मुझे जाना है इस साइड पर, मुझे फौरन से पहले इन लोग को मारने आ गए, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है और पीछे इन लोग की पूरी आर्मी खड़ी हुई है, इन लोगों ने मुझे देख लिया है। अभी मेरे बचने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन यार गाइस मैं बच जाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगा क्योंकि सामने की तरफ मुझे हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। और अगर एक दफा ये वाला हेलीकॉप्टर मुझे मिल गया तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। इस बंदे को पता ही नहीं है कि यार गाइस मैं बाहर खड़ा हुआ। मगर एक सेकंड, इसको गोलियां क्यों नहीं लग रही है और ये पानी क्यों निकल रहा है अंदर से? ये क्या हो रहा है यार गाइस, अंदर से पानी कैसे निकल सकता है? हां भाई क्या हुआ? लेकिन एक सेकंड, इस बेचारे के पास वेपन नहीं है तो मैं इसको नहीं मारूंगा। नहीं यार गाइस मैं इसको नहीं मारूंगा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और सामने की तरफ हेलीकॉप्टर है, पायलट के पास भी वेपन है, ये भी मर चुका है और दूसरा पायलट भी गया काम से। हेलीकॉप्टर को उठा लूं क्या? बल्कि नहीं यार गाइस, हेलीकॉप्टर उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे चुपचाप यहाँ से आगे जाना है। और तुम्हारे पास वेपन है क्या? अबे अगर वेपन है तो बचोगे नहीं। मगर एक सेकंड यार गाइस, ये फाइट करना चाहता है तो मुझे इसको मारना होगा। ये जगह पूरी की पूरी हम लोगों ने क्लियर कर दी है। और एक सेकंड, एक बंदा इधर भी है, इसके पास भी वेपन नहीं है। अभी इसको मैं क्या ही मारूं, इसको मारने की जरूरत नहीं यार गाइस, ये तो वर्कर है। मेरा काम सिर्फ उन बंदों को मारना है जिनके पास वेपन्स हैं। ये जगह तो पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है, मगर एक सेकंड, इतनी बड़ी शिप यहाँ पे क्या कर रही है? और ये पूरी की पूरी शिप तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन साथ में मुझे कुछ बंदे भी दिखाई दे रहे हैं। इन लोग के पास तो वेपन्स नहीं होंगे, इन लोग को मारने की जरूरत नहीं है। थोड़े से बंदे यहाँ पे भी खड़े हुए हैं और ये है मिलिट्री वाला, इसको तो मैं मारूंगा और इसको मारने की भी जरूरत नहीं है हम लोग को। मेरे ख्याल से तो इन लोग की सारी आर्मी मर चुकी है। मगर एक सेकंड, लगता है कि शायद मैं गलत था, अभी मुझे फटाफट से इन लोग को मारना है। एक तो गया और दूसरा भी गया। और कौन है यार गाइस यहाँ पे, और कौन है? ये लोग काफी ज्यादा हैं, बिलीव मी यार गाइस ये लोग काफी ज्यादा हैं। एक काम करता हूँ कि सीधा इन लोग के टावर के अंदर ही घुस जाता हूँ।
और अभी मुझे देखना है कि यहाँ कहीं पर तो कोई नहीं है। नहीं यार गाइस, अभी तक तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ऊपर जाऊँ क्या? बल्कि वेट, और ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे, पहले मुझे इन लोग की ट्रेन को ढूंढना होगा। ये रही यार गाइस, ये है वो ट्रेन जो कि जा रही है लॉस सैंटोस के अंदर, और साथ में यहाँ पे दो बंदे भी खड़े हैं। फटाफट से पहले इन लोग को मारता हूँ, अभी टाइम आ चुका है ट्रेन को ब्लास्ट करने का। आई होप कि यार गाइस मैं बच जाऊंगा, चोट तो काफी ज्यादा लग चुकी है लेकिन मैं बच गया हूँ। और ये पीछे वाली गाड़ियां भी मैंने पहले कभी नहीं देखी लॉस सैंटोस के अंदर। इन लोग की प्लानिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। अबे चॉप तू क्या कर रहा है? अबे चॉप क्या कर रहा है यहाँ पर? बल्कि नहीं यार गाइस, ये चॉप नहीं है, ये चॉप की तरह का कोई और डॉगी है, मगर कितना ज्यादा एग्रेसिव है यार गाइस। चॉप तो काफी ज्यादा फ्रेंडली है, लेकिन ये अभी मुझे काटने के लिए आएगा और मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ यार गाइस, बिलीव मी, मैं इसको नहीं मारना चाहता हूँ। डॉगीज को मारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस वाली ट्रेन को डिस्ट्रॉय करना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मगर एक सेकेंड, यहाँ पर खड़े हुए दो बंदे जो कि ट्रेन को बाहर जाने से रोक रहे हैं यार गाइस। यहाँ पर एक सीक्रेट बंकर भी है जो कि पूरी तरह से लॉक है यार गाइस, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ। और ये इन लोग का सीक्रेट दरवाजा यार गाइस जो कि लॉस सैंटोस जाके खुलेगा, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे इस वाली ट्रेन को डिस्ट्रॉय करना। पूरी की पूरी ट्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसी के अंदर इन लोग के न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। पीछे वाली गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो ये वाला बॉक्स है ना, इसी के अंदर है यार गाइस, न्यूक्लियर बॉम्ब इसी के अंदर होंगे। मगर गए यार गाइस, पूरी की पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट फट चुकी है, मगर इन लोग का बॉस मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से हेडक्वार्टर के अंदर होगा, फटाफट से हेडक्वार्टर के अंदर जाके देखता हूँ। लेकिन यहाँ कहीं से मुझे गोलियां भी लग रही थी, अभी पता नहीं वो गोलियां मुझे कौन ही मारा था। मगर एक सेकेंड, अबे यार गाइस, ये सबमरीन डिस्ट्रॉय हो गई क्या सच में? नहीं 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 नहीं, सबमरीन बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसके अंदर से धुआं निकल रहा है क्योंकि ये स्टार्ट है। और अभी यहाँ पे ये कौन है? मुझे फौरन से पहले इन वाले कमांडोज को भी यहाँ पे मारना होगा जो कि यहाँ पे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहे हैं। मेरे ख्याल से तो बस यही दो लोग थे। हाँ वैसे यार गाइस, बस यही दो लोग थे। मिलिट्री बेस तो मानना पड़ेगा बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला है। एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा और ऊपर जाके इन लोग के बॉस को ढूंढता हूँ। और फाइनली यार गाइस, मैं ऊपर आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये इन लोग का बॉस है, ये व्हाइट वाला मुझे इन लोग का बॉस लग रहा है। मगर पहले मुझे छुपके से जाके इस वाले बंदे को मारना है, और ये तो गया काम से। और ये व्हाइट वाला इन लोग का बॉस है, ये तो गया काम से। हाँ भाई, अभी अगला नंबर तुम्हारा है। अरे तुम कौन हो? ये मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर के अंदर बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ। पहले मैं जरा तुम लोग के मिलिट्री बेस को तो डिस्ट्रॉय कर लूँ। अभी ये इन लोग का बिल्कुल टॉप है यार गाइस, मगर वेट में और भी ज्यादा ऊपर जा सकता हूँ क्या? फाइनली यार गाइस, मैं बिल्कुल टॉप पर आ गया हूँ। और यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब नजारे हैं, लेकिन अभी टाइम आ चुका है वो काम करने का जिसका हम लोग को काफी देर से इंतजार था, और वो है पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना। इतने ज्यादा रॉकेट लॉन्चर मारूंगा कि पूरा का पूरा मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय कर दूंगा। नहीं बचेगा मिलिट्री बेस, अभी मुझसे नहीं बचने वाला है। इस वाले मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन गाइस मुझे करना होगा क्योंकि ये लोग लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और मैं यानी कि चीफ ऑफ लॉस सैंटोस नेवी के होते हुए ऐसा कुछ होगा नहीं। मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा का पूरा मिलिट्री बेस तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन गाइस मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर ही ये डूबने वाला है, और इससे पहले कि ये डूब जाए मुझे यहाँ से निकलना है, और यहाँ से निकलने के लिए मुझे यहाँ पे नीचे जंप करना होगा। आई होप कि यार गाइस मैं यहाँ से मरूंगा नहीं, और बच गया यार गाइस, बाल बाल बचे। मेरी बिल्कुल नीचे टक्कर होने लगी थी, बट यार गाइस मैं बच गया। और एक सेकंड, यहाँ पे मछलियां भी घूम रही हैं नीचे। और ये वाली कौन सी मछली है भाई साहब? ये वाली मछली मैंने पहले कभी नहीं देखी है। और पानी के नीचे तो कुछ ज्यादा ही अलग अलग चीजें। एक सेकंड यार गाइस, ये क्या चीजें हैं? ये तो मुझे कोई सबमरीन दिखाई दे रही है। मगर यार गाइस, अभी धीरे धीरे ये पूरा का पूरा मिलिट्री बेस नीचे आने वाला है। मैंने तो अपना टास्क कम्प्लीट कर दिया। और यार गाइस, अगर आप लोग को भी ये वाला गेम प्ले ओपी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।